इसके साथ ही वे संगीत, अभिनय, कला आदि की भी प्रावधि हैं। उनके प्रेम की गंभीरता उनको अपनेपन में सीमित और स्तब्ध रखना चाहती है और उनकी गुणशालीता उनको चंचल और तरंग गायित बनाना चाहती है। उनकी परस्पर विरोधी सी दिखलाई देने वाली इन दो सहज वृत्तियों में जब जिसकी प्रधानता हो जाती है वही उस समय उनकी भाव दशा बन जाती है। इस पद में श्री राधा मानवती नहीं है, इस समय उनकी प्रीति केवल अंतर्मुख हो रही है और सखीगण एवं श्री श्याम सुंदर उनके मन को रास विलास की ओर लाने के लिए सचेष्ट हैं। श्री श्याम घन ने इसीलिए युवती जनों के सहयोग से रास मंडल की रचना की है और हित सजनी जी को किसी भी प्रकार श्री राधा को क्रीड़ा के लिए उद्यत करने के लिए उनके पास भेजा है। हित सजनी श्री प्रिया की अंतर्मुखता देखकर चकित हो जाती है और उनके मन को रास विलासोन्मुख बनाने के लिए अपनेपन का दबाव उनके ऊपर डालते हुए उनसे प्रार्थना करती है। आज मेरे कहे चलो मृग ने आज मेरे कहे चलो मृग ने निसरे मरे निसंस निसरे मापा रे मापा निसानी पन्ना रे मापा आज मेरी कहे चलो मृग नैनी आज मेरी कहे चलो मृग नैनी परम प्रवीण गोप विद्या
परम प्रवीण को लोक विद्या परम प्रवीण को अभिनय चलो मृग में आज मी कही चलो मृग में मेरी कहे चलो मृग में आज मेरी कहे
रभस आलिंगन चुंबन चलो मृग ने मृग ने मृग ने आज मेरी कही चलो मृग ने जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम बोलिए श्री राधा लाल की महाप्रभु श्री हरि हरिवंश चंद्र जू की जय। इस छोटे से पद में यह बात स्पष्ट होती है